सो हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक है। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे नए व्लॉग में, नए दिन के साथ। तो दोस्तों, हमारा झाड़ू पोछा हो चुका है और मैंने पूजा भी कर ली है और अब नाश्ता बनाते हैं। और दोस्तों, आज हमने आलू निकालने हैं। आलू को 3 महीने में निकालते हैं, तो 3 महीने हो गए हैं, तो आज हमने निकालने तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग में से बने रहिए, मिलते हैं आप लोगों को आगे। तो दोस्तों, आज हमने में गाय के दूध की खीर बनानी है। क्या? तो ये देखो, पहले गाय के दूध की पूजा करते हैं। ये रखा है दूध, है ना? सूर्य देव के पास चढ़ाते हैं। ये देखो, अब हम खीर बनाएंगे इस दूध की ना, क्योंकि दोस्तों मतलब गाय के दूध की मतलब अभी बनाते हैं खीर, क्योंकि जब तक पूजा नहीं करते तब तक गाय के दूध को जूठा नहीं करते। जूठा मतलब मीठा मोटा डाल के नहीं पीते, चाय भी नहीं बनाते। अब जब गाय की पूजा कर ली हमने, तो तब अब हम चाय चुई बना सकते हैं। तो पहले तो हम उस दूध की खीर बनाएंगे, तब उसके बाद। और यहाँ पर दादी बैठ रखी है, ये देखो दादी, चाची पिया ला। ठीक है, अब हम खीर बनाना। अब चाचू ही बनाए चाम दूध ना, खीर बनाए कर पूजा पूजा करी कर, है ना? हाँ, तब हम अब चाचू बनाएंगे ना। हाँ, मुआ लेना। दादी बोल रही है अब नहीं लेके आना बाजार से दूध, अब अपने गाय के दूध की चाय बनाएंगे ना, है ना? तो दोस्तों, अब हम खीर बना रहे हैं। खीर देखो, तो दोस्तों मैं आलू निकालने के लिए जा रही हूँ। ये कूटी और ये थैला, इसी में रखूंगी मैं आलू। ये आलू, ये देखो गाइस, आधे आलू मैंने निकाल लिए हैं। ये देखो, आधे वो रहे, अब इतने निकाले, इतने निकालने। तो आलू निकाल रहे हो आज? हाँ। अच्छा, आलू तो निकाल लिए। हाँ, निकाल दिए मैंने। कितने हुए आलू? मेरे तो ठीक हुए, मतलब इन्हें छोटे छोटे तो नहीं हो? नहीं, बड़े हो रखे मैंने। तो ये हमारे तो कितने छोटे छोटे? नहीं, मैं तो हमारे बड़े पड़े हो रखे, हमारे छोटे छोटे हो रखे। ठीक है, अपने मेहनत के इससे भी और ज्यादा हो जाते हैं। माटू लगाने से ऊपर ना, तब वो नहीं खूब, तब माटू तो लगे। देखो, और आप जंगल बढ़े क्यों गया? हाँ, जंगल बढ़ने का ना, अभी झाड़ पोछा निकाल रहे। अच्छा, ये जंगल भी जाने से था, जब लकड़ी लौला तभी तो चूल्हे भी जा बोला नीचे। हाँ, सवेरे चूना रोटी मोटी मोटी बर में बड़ा में तो जन फांड हो गया, ये मुँह लक्ष थोड़ी घर में बड़ा में अद आ गया अब मिला ना। ये निकाले में देखो। हाँ हाँ हाँ, इतना हो गया था कि नहीं कम सिंह तब। अरे सासू जी कक सिंह? सासू जी अरे आनंद। अच्छा, सवेर के बनाया नाश्ता में? नाश्ता में बन गोभी सब्जी। अच्छा, और आज खीर ही बनाया। खीर? अच्छा, गौर तो बन गया। हाँ आज, हाँ गौर तो गुड़ दिया। अच्छा, तब ना ना ठीक चल। सो गाइस, मेरे को थकान लग गया, सास जी भी आ गया। नाश्ता कर लिया आपने? नहीं, अभी नहीं किया मैं, अभी पहले ब्राह्मण को खिलाना है ना। अच्छा, खीर को? ठीक है, ब्राह्मण अभी सो रखा है। अच्छा, तो मामा को दे दूंगी थोड़ा। निकल गए आलू? हाँ, बस इतना सा रह रखा है, इतना तो निकाल। निकल भी रहे, जितने लगाए हमने उतने निकलने चाहिए भाई। जितने लगाए? 6 किलो? हाँ, 6 किलो तो निकल जाएंगे। निकल जाएंगे,
पहले तो ज्यादा निकलने चाहिए, पर इसमें पता क्या इसमें हो गया घास घूस ना, अब अगली बार घास घूस नहीं होने देना। नहीं नहीं, आप सफाई करके लगाएंगे, पिछली बार सफाई की थी पर दूसरी तरीका से लगाएंगे ना, तब शायद बड़े बड़े होंगे। ये देखो मैं कैसे निकाल रही हूं, बहुत अच्छा निकल रही है, जितने लगाए वो पेड़ के नीचे ओले के पेड़ के नीचे वैसे भी नहीं होता है, इसलिए इतना हो गया, दोबारा से लगाएंगे। इतना तो खाने के लिए हो ही जाएंगे हमारे, थोड़ा बहुत दो तीन दिन के लिए और इतने थोड़ा बहुत। अब इतना रह रखा देखो, अभी है अभी तो है, निकल जाएंगे 10 किलो तक तो निकल ही जाएंगे, बस 10 किलो 10 पे निकलेंगे, बहुत है 10 निकलने चाहिए। इसके बाद हम फिर लगाएंगे आलू, बाजार से आलू मंगाएंगे फिर लगाएंगे। आलू की 3 फसल लगाते हैं ना। देखो मत आप नाश्ता करके आओ, मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। देखो ये प्याज की पौध, ये धनिया, ये मेथी, ये फिर प्याज, और फिर ये हमारे मटर लगा रखे। वैसे तो मटर आजकल सस्ते हो रखे हैं, पर क्या क्या बोल रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि अब मटर लगा रखे हमने अब की बार, आजकल तो अभी मटर सस्ते हो जाते, पर फिर भी घर के ही मटर हुए। ठीक है, सो गाइस मैंने आलू निकाल लिए हैं, ये देखो। अब इन्हें मैं थैले में रखती हूँ, अभी ऐसे हैं, अब इन्हें थैले में रखूँगी। सो गाइस अब मैं इनको इकट्ठा करूँगी, अच्छे में रखूँगी, ठीक है। अरे छबड़ा में रखता हूँ यार, छपड़ा मरा खाते मैं, पता खराब नहीं होने छपड़ा, ये टप तुम्हारे वाल में हाँ ना, वो नहीं होने ठीक तो सुने यार, आप मेहनत नहीं वाल 10 किलो तक करनी, वाल था है ना, दस से ज्यादा वाल ना आप ठीक तुम निकाल लो। अब इन्हें बोलो सासू माता जी, अब माता जी कर आलू हमें दे रही है आलू, अच्छा है सब आलू है, कोई पहले की कच्ची नहीं तो ये कोई की पहले की कच्ची अब लग टाइम 10 किलो तक निकल जा, हाँ निकल ये तो तू निकल जा। ये उनकी सासू है, आलू बटर बोल। ये देखो गाइस फाइनली हमारे आलू इतने हुए हैं, कम ही एजेस साथ लगाए थे है ना, हां ठीक है ठीक, खेती ठीक है, पहले हां पहले ऋतु की मेहनत है, वो पेड़ के नीचे ऋतु की मेहनत है, वो मैंने निकाले सारे देखो, ये 10 किलो तक आ तो वाल 10 तक तो वाली तक छरौरा लगे ना, वैसे ज्यादा ही वाला है। हर ये गाइस मिलते हैं आपको बाद में, बाय टाटा बाय। सो गाइस अब आलू अंदर लेके जाते हैं, चलो दादी भी लेके दादी ले है दादी, 4-5 तो उसे दे गोदी 5 है किलो 10 12 किलो हो गया है ना, ये तो किसान फिर लगा ला। सो दोस्तों अब मैं खीर खा रही हूँ, उस टाइम पे नहीं गई थी मैं खा के, तो खा रही हूँ मैं, तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। वैसे मैंने खीर भी खा ली है
और मैं बर्तन धो के भी आ गई हूँ, आज लेट हो गया था। अब बना रहे हैं मूली की खिचौड़ी और चावल। सो गाइस, अब मैंने चाट बना लिया है, मैं मन कर रहा था ना। आप भी खाओगे? नहीं, ठीक है, गुलू और मैं खाऊंगी, गुलू और मैं खाएंगे। एक दिन पहले बनाया था मैं, जब नए आलू आए थे उस दिन, और आज से ना आया तो मैं थोड़ा ही बनाया बस। सो गाइस, मैं खाना खा के सो गई थी और अब उठ गई हूँ मैं। अब देखते हैं क्या करते हैं। वो देखो, दादी छत में है, घूम रही है। दादी, सेन यहाँ से नीचे। हाँ, तो गाइस वो यहाँ पे क्या कर रही है? वो गेहूं साफ कर रहे हो? अच्छा, ये गेहूं ऐसे मिट्टी है इसमें, साफ हो जाएगा। चलो अब दोस्तों को बहुत दिनों से कविता नहीं सुनाया, सुना दे कविता। ए बड़ा राजा का, ए बड़ा राजा का बेटा, दो दिन से बिस्तर बनेरा, तीन महात्मा सुनकर आए, चार दवा की पुड़िया लाए, चार दवा की पुड़िया लाए, पांच मिनट में गोल कर आए, छत्ते घंटे बाद खिलाए, सात मिनट में लेना खून, आठ मिनट में रानी से भोजन, नौ मिनट में दी अंगड़ाई, दस मिनट में दौलत। बहुत सुंदर कविता सुनाया, बहुत धन्यवाद। क्या क्या बोलना? वाह, एक कब वाह, सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंदन करके कुल्ला करके रोज नहाते, रोज नहाकर खाना खाते। बुआ आंगनवाड़ी में ना, तो बच्चों को सिखाती है पोयम खाकर पढ़ने जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो काम करो, प्यारी काम कर लो, दूसरे दिन सुनाना। सो गाइस, आज के शाम का टाइम का मौसम ही देखो, और यहाँ पे कोको बांधा है। ओके, कल सुनाना अब, ठीक है बुआ? आप अपना काम कर लो, काम कर ले आप, पर काम काम करा। सो गाइस, अब मैं चाय बनाने के लिए जा रही हूँ, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने मेरा आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया होगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।